नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति को छिपकली ने काट लिया है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। मेरे कई सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई साहब, अगर छिपकली ने किसी को काट लिया है तो क्या उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, क्या छिपकलियाँ जहरीली होती हैं। इन सारे सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं इस वीडियो में, तो ये वीडियो पूरा देखें, ये वीडियो अंत तक देखें, ये वीडियो आपके कई सारे डाउट्स को क्लियर करके जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि छिपकलियों की लगभग 3000 प्रजातियां होती हैं पूरे दुनिया भर में, जिसमें से सिर्फ दो ही प्रजातियां हैं जो जहरीली होती हैं, एक होता है गीला और एक होता है बीडेड। ये सिर्फ दो प्रजातियां होती हैं जो जहरीली मानी जाती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये दोनों प्रजातियां हमारे देश भारत में, हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती हैं। तो जो छिपकलियाँ हमारे घरों में होती हैं, बाथरूम में होती हैं, कमरों में होती हैं, वो छिपकलियाँ बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर हाँ, ये छिपकलियाँ काटती ज़रूर हैं, अगर ये छिपकलियों ने आपको काट लिया है तो इसमें कोई जहर नहीं होता है, इसमें कोई विषैली ग्रंथियाँ होती ही नहीं है। हालांकि छिपकली काटने के बाद आपको कुछ जो है सिम्टम्स दिखेंगे, उसके बारे में आगे बात करूंगा। पहले आपको बता दूं कि छिपकलियों में जहर नहीं होता है, लेकिन सिम्टम्स फिर भी क्यों दिखते हैं, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इनके अंदर जहर नहीं होता है, लेकिन इनका जो शरीर होता है ये नॉन हाइजेनिक होते हैं, ये इनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरियाज और वायरस चिपके होते हैं, जो कि हमें इनडायरेक्टली नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है छिपकली ने काट लिया, उनके अंदर जो हल्के फुल्के जो बैक्टीरियाज वायरस होते हैं वो आपको हल्के फुल्के सिम्टम दिखाएंगे। जैसे कि जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, व्यक्ति को बुखार आ सकता है, व्यक्ति का पेट खराब हो सकता है, व्यक्ति को घबराहट के मारे पसीना वसीना हो सकता है, और उस जिस जगह पर छिपकली ने काटा है उस जगह पर स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पर हल्का फुल्का दर्द होगा, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए छिपकली ने काट ही लिया है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको पहली बात तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, छिपकली ने काट लिया है तो आपको करना क्या है, जिस जगह पर उसने काटा है उस जगह को बहते पानी से अच्छे तरीके से लगभग 10-15 मिनट तक उसको साफ कर लें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो उस दर्द के लिए आप कोई भी पेन किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, कई सारे पेन किलर्स आते हैं। वहाँ पर स्वेलिंग है तो यूरालेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको जो है सबसे पहली चीज़ करनी है, आपको टिटनेस का सुई जरूर लगवा लेना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते होंगे टिटनेस सुई लगवाने की क्या आवश्यकता है, मैं आपको बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोहे से कटे हों तभी टिटनेस सुई लगवानी है। अगर छिपकली ने आपको काट लिया है, अगर बंदर ने आपको काट लिया है, अगर कुत्ते ने काटे तब भी आपको टिटनेस की सुई वहाँ पर लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत तक संभावना होती है कि जो टिटनेस के जो वायरस होते हैं वो वहाँ पर चिपके हों, तो टिटनेस की सुई लगवा लें। अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर टिटनेस की कोई सुई लगवाई है तो लगवाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप टिटनेस की सुई जरूर लगवा लें। उसके बाद आपको डॉक्टर्स बिल्कुल छोड़ देंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कोई बुखार हो रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर आपको फीवर हो गया हल्का फुल्का तो बुखार की दवा दे देंगे, अगर आपका पेट खराब है तो आपको नॉर्फास्टीरे जो भी बहुत सारी आती हैं दवाइयाँ वो दे देंगे, और सिम्टोमेटिक इलाज करेंगे खाली, आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है वहाँ पर। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बिल्कुल बिंदास रहें, कोई टेंशन नहीं होती छिपकली पिली काट लेने से। हाँ, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कभी कभी क्या होता है घरों में कि हम खाना बना रहे हैं, हमने खाना रख दिया, खुला हुआ रख दिया, और उसमें छिपकलियाँ जो आपस में लड़ती हैं, लड़ते हुए झगड़ते हुए कहीं उसमें गिर गईं और उस भोजन में आप जान नहीं पाए, आपको समझ में नहीं आया, और वो भोजन में अगर छिपकलियाँ गिर चुकी हैं, गिर गई हैं, तो उनके ऊपर जो बैक्टीरियाज वायरस लगे होते, मैंने आपको बताया, वो सारे कहीं ना कहीं अगर आपने वो भोजन खा लिया तो आपको फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं, उस प्रकार से वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें जहर नहीं होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपके जान पहचान में कोई भी आपके भोजन में छिपकली गिर गई है तो उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, वो खाना तुरंत ही फेंक दें, क्योंकि वो खाना आपको फूड पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। आज की वीडियो में तो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर रही हों, समझ में आई हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस लाऊं उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, तो अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।